सत्ता प्रभावित जहांगीरपुरी में विवादास्पद अतिक्रमण विरोधी अभियान के एक दिन बाद शुक्रवार को समाजवादी पार्टी नेता स्थानीय लोगों से मिलने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस वक्त हम दिल्ली के जहांगीरपुरी घटनास्थल पर हैं और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मीडिया का किस तरीके से जवाबड़ा लगा हुआ है और यहाँ पे कई पार्टी का आना जाना लगातार जारी है घटनास्थल पे। यहाँ पे सीपीआई के नेता जो है डी राजा यहाँ पे पहुँचे हैं जायजा लेने के लिए, जिसको जो है दिल्ली पुलिस ने फिलहाल बैरिकेड के पास ही रोक दिया है और इनको आगे जाने से मना किया गया है। हालांकि डी राजा का कहना ये था कि यहाँ पे जो है परिजन उनसे जाके मिलेंगे, मगर कई कहा सुनी के बाद जो है बैरिकेटर को लगाया गया और डी राजा जो है यहाँ पे आए, उनको जो यहाँ पे रोक दिया गया। यहीं पे मीडिया से खास बातचीत करते हुए डी राजा ने बताया कि जिस तरीके से जहांगीरपुरी के जो स्थल पे जो जिस तरीके से बुलडोजर चला है केंद्र सरकार की, कहीं ना कहीं है। और जहां तक मैं आपको बात बता दूं कि दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सभी को घेरते हुए डी राजा ने जो आड़े हाथ लिया। और यहां पे जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो बाइट जो इनका बातचीत चल रही है, मीडिया से लगातार जो है रूबरू बात कर रहे हैं और यहां पर घटना पर आकर के इन्होंने बहुत दुख जताया है कि ये घटना एक निंदनीय है जो कि केंद्र सरकार को ऐसे नहीं करना चाहिए थी। जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिस तरीके से पैरा मिलिट्री की फोर्स दिल्ली पुलिस यानी तमाम जो है आला अधिकारी मौके पे हैं और डी राजा जो सीपीआई के नेता हैं वो मौके पे पहुंच करके जायजा ले रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा सभी चीज़ें जो हैं घटनास्थल पे बड़े बड़े नेताओं का आना जाना तमाम तरीके से लगा हुआ है। मैं प्रिंस जायसवाल, कैमरा पर्सन आके चौधरी के साथ, केनू जिंडिया, दिल्ली।